चला नहीं जानता जोड़ो के दर्द ने मार ली मैं तो हाँ दिन मोहम्मद आ जा बेटा सलाम अम्मा अरे जिंदा रहो बेटा जिंदा रहो आए क्यों रही अम्मा फिर क्या फैसला किया तूने अरे बेटा तो बैठ तो सही मैं तेरे वास्ते दूध का गिलास लाऊंगा दूध को रहने दे अम्मा मेरे पास टाइम नहीं है मेरे को तो आज फैसला सुना दे तू अच्छा बेटा फैसला भी सुना देंगे तब बैठ तो सही अच्छा बस ही भी आ रही हूँ मैं पर देखियो देर ना करियो नहीं देर नहीं करती हाँ। देर नहीं करती कौन है रही अम्मा अरे भाई आया तीन मोहम्मद फैसला सुनने निकल नीचे मैं तो यो कह रही हूँ बेटा कि एक दफा फिर सोच ले यहाँ कहना आसान है जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है जिंदगी नाम ही मुश्किल का है अम्मा मैका हो गया ससुराल वे ससुराल ससुराल हो वह मैका नहीं होता आराम घोर जवाब दी अम्मा देरी हो रही है री बिन बाप की लड़की है चार दिन खाएगी पिएगी उसे जवाब तो दे दे कब से धूप में बैठा खोपड़ी चटकाए है ए क्यों मेरी नाक कटन पर तुल रही है ए पर क्यों री ए यूं अगर तेरी अठराबियां देख के सोचो कि जानते ही ना मुड़ गई हो नहीं मुड़कर आती मैं तेरे पास जा जाके कह दे कि मंजूर है बिसक्का लाकर शादी कर ले हाँ कर ले शादी ए मर वहीं जाके ले मैं कहने जा रही हूँ सुन ले बेटा दीन मोहम्मद हाँ रे माँ बेटा मन ने तेरी बात मंजूर है अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ कल को आऊंगा अच्छा बेटा खुदा हाफिज खुदा छोड़े दहाद में माए दर्द बिछोड़े दहाद में दुखां दी रोटी सोना दा साल आही दा बालन बाद दर्द बिछोड़ दहाल ने हाल ने मारे निमकिन वाह वाह अल्लाह वसाया वाह सुभान अल्लाह भाई आवाज हो तो तेरी कलाम हो तो शाह हुसैन का फिर दिलों के सन्नाटे क्यों ना बोले ये सरकार आपकी मेहरबानी है और बस और सुनाओ यार और सुनाओ बस हजूर जिस गांव का आप जैसा समझदार हमदर्द और दरिया दिल चौधरी हो वहां से तो दरिया भी कन्नी कतरा के गुजरता है इस गांव को माई बाप सत्ते खैरा है चलो यार कोई नई ताजी सुनाओ चोई साहब जी तो मेरा माई बाप चाहता है कि आज आपको खरी खरी सुना बात फिर कह गया तू मेहरबानी वो सरकार अपना दीनू नहीं है हाँ क्या हुआ उसे वो शादी कर रहा है दीनू शादी कर रहा है हाँ जी माई बाप फिर तो चलना पड़ेगा ओ नहीं सरकार वो कमजोर लोग हैं माड़े मिस्कीन हैं आप जैसे इज्जतदार का बोझ उठाने जोगे नहीं है वो ना तो फिर कौन जाएगा उसके साथ
कोई नहीं सरकार, गांव से मैं जाऊंगा और शहर से मेरा बेटा इकबाल जाएगा साथ। हाँ याद आया, वो तुम्हारा बेटा इकबाल आजकल क्या कर रहा है? अल्लाह का बड़ा फजल है माई बाप, बीए करने के बाद उसने नौकरी कर ली है, क्लर्क बादशाह मौजे मांग रहा है। दो हम बाप बेटा हो गए और दो ये जूरा और बूरा दोनों चले जाएंगे। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं? सिर्फ चार आदमी? जी माई बाप। अरे भाई ये शादी हो रही है या बेइज्जती हो रही है? गरीब की इज्जत केर बेइज्जती के, शादी केर मौत के, खिलाऊंगी तीनू मेरे बरातियां खार खा रही है माँ। झाड़ खिला दियो, धक्के देके घर से बाहर निकाल दियो, मन्ने भी और दिनू को भी। चलो उठ, जाके तिल निकाल ले, थोड़े से लड्डू बना ले। अंधेरे में जावेगी कम कर, बत्ती तो जला ले। दौड़ फाड़ रही है बेशरम कहीं। अच्छी तरह साफ भी कर लिए थे कि? अरे हाँ अम्मा, मैं उसे रेत तो नहीं खिलाने की ना। तू जा, जाके बकरियां बांध ले। हाँ आज तेरा बाप जिंदा तो यू तिल के लड्डू पर तो तेरी बरात ना रुखसत करता। जाए कि जो तेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरे बाप ने भी जाना था, मना करती रह गई कि इस वक्त ना जा, बदल आ रहे हैं, आंधी आ जाएगी, फिर वो किसी की मान ले। तै मत घबरा अम्मा, अब्बा बारिश में भीगी के डर से कहीं दरख्त तले बैठा होगा। तै तो चुप कर जा, मेरी जान खागी मैं ना करके। बेजुबान पे गुस्सा क्यों खावे है अम्मा? अब्बा आप क्या है, इसने थोड़ी भिजवाया है। बेटा जरा देख ले बाहर, ये आंधी कम हो गई ना तो जलाल टेंट ठा ले, तेरे बाप ने ढूंढिया मैं। अच्छा कमोली रे अम्मा।
की तरियों और सखियां आवे हैं बरसात की तरियों कटा बांध के हैं सखियां आवेंगी तो जुल्ला तो जुलेंगी ना। हाँ ये बात तो है। तो ये रहा चुल्ला और ये रही मेरी बिटिया रानी। चलो चुल्ले हैं बस कर बिटिया बस कर
लेकिन तहमने याद तो करेगी ना बा तन्ने तो मैं बहुत याद करूंगी सखियां सहेलियां भूल जाने हैं पर अपने अब्बा को भी कैसे भूल ले हैं इंशाल्लाह एक दिन आवेगा जब कोई सजादा चेहरा बांध के आवेगा तन्ने जाने को उस रोज मारे घर में रंग बिरंगे सपत्तों की बहार होगी और मेरे आंसुओं की खबार तेरे बगैर तेरा अब्बा चैन से कैसे रहेगा भी? ज जो ते बिन बाप की ना होंदी है तो तेरी शादी भी अपनी बरादरी में बड़ी इज्जत से होंदी अपना घर अपना गांव हो गया फिर तेरी ऐसी किस्मत करती है तेरी किस्मत ही खराब है कनीज सारी लड़कियों की शादियां हो गई सब अपने अपने घरों को चली गई खूब तमाशे हुए सबकी शादियों में खूब ढोलक बजी दूल्हे सेहरे बांध बांध कर आए और एक तेरी शादी होगी अपने हथो लड्डू बना के बैठी है तू क्या रही और तेरी शादी क्या रही बेटा ये लड्डू संभाल के रख दे जा सो जा मेरी बेटी जा मेरा के मेरी रात तो यूं ही आंखों में तारे गिनने में कट जाएगी बीनू यार आस्था चल इतनी भी तने क्या जल्दी है चुप कर बे मैंने कहा यार गुस्सा क्यों करता है साला बोलता बहुत है तू है यार तने साला कब है कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर बाद ऐसी चुप लगेगी कि तू हंसेगा हंसेगा और बाद में रोएगा क्या खूबसूरत बात की है तुमने यार बात सुन तेरा अब्बा नहीं आया है अरे कहाँ है तेरा बाप उसने मुझे कहा था मैं गांव जाके मौलवी को लेके गली में खड़ा हूँ अच्छा चल 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 जल्दी आ ही ना जाए कहीं वो ये ले बेटा ये जोड़ा तेरे वास्ते तेरे बाप ने बनवाया था इसमें ना की पहन मैं कह गया था ना कुछ लेना है ना देना है फिर तक कौन से जोड़ों का इंतजार कर रही है अम्मा तू खाम खा जान ना जला फिकर ना कर रही मैं वापस नहीं आने की हाँ जाए मुस्टिंदी भूखा पीती जा नानके पहन ले जा मेरी दी तैयार हो जा बेटा तुमने कौन सी सखियों का इंतजार है जो आके उरे ढोलक पर गीत गावेंगी तेरी रुखसती का गम तो बस मेरी आंखों नहीं सहना अरे अम्मा अकाश इस वक्त कुछ सहेलियां साथ होती थोड़ी सी ढोलक तो बजा देती ना अच्छा बेटा तो मैं तेरी हसरत पूरी कर दूं बैठ मैं बजाऊं मेरे गले दे गल हारा हो मेरे गले दे गल हारा एक लड़ टुटो ते
बिगड़े ओ सारा बालो बत्तियां इथे मेरे मोती बीते आ लायो मर हम जीवे दिल जख्मी कीते आ मेरे गले दिया गल हारा हो मेरे गले मुझे दिखे लोग तकलीफ तो नहीं आई रस्ते में नहीं रे माँ तकलीफ का आएगी पर देखियो अब तू जल्दी करियो अच्छा। देख धूप चढ़ने से पहले ना निकल चले तीन कोस का रास्ता है अल्लाह वसाया हाँ। और इकबाल हाँ। तुम दोनों मेरी तरफ से गवाह हो जाना जुरे बुरे हाँ। तुम लोग दुल्हन वाले की तरफ से हो जाओ ये साला साला कहता था आज सचमुच साला बना दिया हाँ यार बुरे जो अच्छी हुई हम आए थे यार की शादी में और बन बैठे हैं दुल्हन वाले वो हक महर की बात की हुई है या अभी करनी है आओ श्रेई दूल्हा की हैसियत के मुताबिक रे अपनी क्या हैसियत रे ये तो ऊपर वाला जाने है कि कौन किस हाल में या फिर मछली जाने है कि पानी कितना और जाल कितना है चौधरी साहब शादी का मौका है मछली कहाँ से आ गई तो फिर वो बात कर ले ओ कनीज बिन्त अलादीन मरहूम तुझे दीन मोहम्मद उर्फ दीनू वल्द अब्दुल्ला बावज हकमैर शरई ये निकाह कबूल है क्यों मैं बेशरम कहीं की और जोर से कहना था पूरा गांव तो सुन लेता जब सारे गांव वालों को पता चल जाएगा ना कि कनीज ब्याह कर चली गई तो कैसा पानी पड़ जाएगा सब पर ये तो है अगर तू वापस ना आवे तो आपको भी मुबारक हो जी लो अम्मा ने तो सारा मसला ही हल कर दिया अम्मा तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो एक एक मुबारक एक एक मुबारक एक एक मुबारक बेटा खुशी का मौका है यार खुशी का मौका हलवाई दा दूं तुझे ये लो भाई तुम भी लो अम्मा आप भी मुंह मीठा करो बेटा खुशी के मौके पे ये आंसू बेटी वाली हो ना भाई मेरी गरीबी कज लियो भाई अम्मा अब जल्दी करो देखो री तीन कोस का रास्ता है अच्छा बेटा वैसे भी ला रही दो अब खाओ चले पीजो बस उठ ले भी तैयार ले बेटा हम तो जाने का वक्त हो गया अम्मा ये कैसे रुक सकती हरी हे बेटा हे बेटा वापस ना आवे बड़ी अच्छी है मैं तो कहूँ बेटा अल्लाह करे तेरा सदा ही घर बना रहे तो सुखी ना मैं आजा मेरे बच्चे Thank you.
री रोती क्यों है री? जल्दी जल्दी चल वरना धूप तेज हो जाएगी, 3 कोस चलना है ना। चल अब चल चल चल, देर हो रही है। मेरे गले दे आगल हारा हो, मेरे गले दे आगल हारा, एक लड़क तो ते बिगड़े सारा, बालो बतिया इथे मेरे मूती ते लायो, मर हम जीवे दिल जख्मी जीते आ मेरे गले दे आ। कैसी तबीयत है तेरी री? ले आया रे। ले आया पर देखियो तू ना उठियो, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी री। ले आया ना? हाँ ले आया। क्यों री, तूने तो कहा था, नहीं कहा था तूने ये घर और बच्चे खराब हो रहे हैं? तू हाथ मुंह धो ले, तू फिक्र ना कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा हाँ दीनू, पक्का कुछ नहीं है घर में? बच्चे कहाँ हैं जी? ओ हाँ, वो सुरैया के यहाँ पढ़ने गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ सकीना, मैं तो चला खेतों पे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदर आ जा रही, यहाँ काहे को खड़ी है? घूंघट पलट तेरी, मैं भी तो देखू तेरा मुंह। बड़े दिनों से बीमार हूं, ना कोई घर देखने वाला, मैं बच्चे संभालने वाला, तू फिक्र ना कर रही, मैं आ गई हूं ना, मैं सब घर के काम संभाल लूंगी। हाँ जो काम है ना तू मन्ने बता दे। अच्छा घर में तो हर तरफ काम ही काम नजर आ रहा है, क्या तुझे बताऊं? ये देख। अच्छा Thank you.
इतना बड़ा जवाहर हाथी लगे है बकरी भी इसके आगे कुछ हो गए भला एक गड़वी दूध देवे सिंह मारे सो अलग पता नहीं अम्मा इस वक्त क्या करती होवेगी पर बेटियां हमेशा तो ना रहे ना अम्मा के पास मेरी सकीना ये बाहर छप्पड़ तले जो जनावर बंदे हैरी वो अपने है ना क्यों री तू क्यों पूछ रही है जा जाके हांडी चढ़ा दिन शाम को रोटी जल्दी खा रहे अब बात सुन भैंस को भी धो ले कैसे कमी कल की आस नहीं जिंदगी नाम को बाकी नहीं अरे अब तो ये घर मेरा भी है तेरी खिदमत भी कर दूंगी अम्मा अम्मा बिस्मिल्लाह बेटा चलो तुम दोनों उधर चल के बैठो मैं अभी तुम दोनों का मुंह भी धुलाती हूँ और खाना भी देती हूँ चलो मेरा बेटा शाबाश कौन सी आई है क्या ये दिन मोहम्मद की औरत है ना हाँ री आज ही तो लाया है परले गांव से पर जिंदगी हो क्या इतबार सकीना को मर तो लेने देता ये तो तू ठीक ही कह रहे है देवी मैं खुद ही कर लूंगी नहीं ना मेरी दुल्हन है मैं भी तेरा हाथ बटा दूं वो सकीना बीमार है ना खिदमत तो करना है हमें भी खिदमत करने दो अपनी क्या नाम है तेरा कनीज और तेरा सुरैया ये अच्छा नाम है पागों वाला वो कैसे मेरी एक सहेली थी ना उसका नाम था सुरैया बड़े अच्छे घर में बह गई तो क्या तेरा घर अच्छा नहीं मेरा घर भी अच्छा मेरा घर तो सबसे अच्छा और दीनू भैया अच्छा नहीं वो भी बहुत अच्छा रही बेचारी सकीना बाजी बीमारी ने तो ऐसा घर देखा कि पलटती ही नहीं ये पानी ले लेंगे वो तो सजा दी है सजा दी पर खाना पीना उठ गया है उस बेचारी का पता नहीं शहर के अस्पताल में क्यों नहीं लेके जाते दीनू भैया ए अस्पताल जाके आदमी बच्चा भी है तो और क्या ठीक है मैं बोल लूंगी दीनू से कि ले जा उसको अस्पताल ना तू ना कुछ बोलना दीनू भैया से मैं खुद ही कह दूंगी ले सकीना थोड़ा सा खा ले ना दिनों ना मैं तो पहले ही पेट में छुरियां चल ले थोड़ा सा तो खा ले दी मेरा ना जी चावे अच्छा तू खा ले बेटा ए दिनू ए जरा ये घड़ा तो उतरवाइयो अच्छा री हाँ पानी लाइए ला दे मुझे हाँ रे ये ले अरे ये क्या हुआ अरे मेरे पेट में तकलीफ हो रही है कहीं तो आदित्य
सगीना, ये सगीना क्या हुआ तुझे? करीज ये सब ले जा, जल्दी जल्दी छोटे को भी ले जा अंदर। क्या हुआ तुझे? बता दे क्या हो रहा है? क्या हो रहा दिनो बता, जल्दी करना करीज, क्या कर रही है तू? क्या हुआ नहीं बता ना, क्या हुआ? पेट में तकलीफ। अरे जल्दी आना करीज, क्या कर रही है तू? जी मैं क्या करूं? सबर कर, सबर कर। अरे आना, जल्दी पकड़ इसको, ले उठा, उठा के बैठा। सकीना, देख क्यों, क्या हो रहा? बेहोश कर रहे हो? तो बहुत तकलीफ में थी बेचारी। चलो अब दीनू को वक्त मिल सकेगा जमीन और जिम्मेदारी के लिए, अगर नई बीवी ने वक्त दिया तो। अल्लाह आपकी सलामती करे, मौला आपको और इज्जत दे। सरकार उसने दूसरी शादी की ही इसलिए है कि पहली की खबरगिरी हो सके, अब तो उसके पास अपने लिए वक्त ही वक्त। बेवकूफ, अगर उसके पास वक्त होता तो यहाँ चौपाल में नजर ना आता। आज माई बाप वो करने वाली बात करे आज। सुनो यार, याद आया, वो आज उसकी शादी की खुशी में कुछ हो जाए। हाँ जी। क्यों भाई, एक बात कुछ याद है खानदानी बातें या भूल गए शहर जाकर? नहीं भाई बाप, असल कौन बोलता है जी। अल्लाह तेरी खैर करे, अल्लाह तेरी खैर करे। आपको देखकर ना बड़े चौधरी जी याद आ गए, पहले वो बेइज्जत किया करते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब आप बेइज्जत करते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ जी। बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ। वो पहले दादा दिल पर चाहता था, अब मैं जी। अब आई काम कौन भूल सकता है जी। है भाई बाप। भाई अल्लाह बसाया। जी मालिक। तेरा बेटा बड़ा तेज है, बात कह जाता है। देखे ना सरकार। और छोड़ो, बातें तो होती रहेंगी। बात करना तो हमारा खानदानी काम है भाई बाप। अगर देखे ना हमारी जगह आप बातें करने लगेंगे तो और आप में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमारी हमारी बहुत अच्छी बात है। अरे भाई सुनो सुनो, बातें तो होती रहेंगी। चलो यार कुछ सुनाओ। इकबाल, सुना है बड़ा सुरीला है। ऐसा सुरीला जना, ये जहाँ गाने के लिए जाता है वहां दूसरा कोई गाता नहीं है। लेकिन सरकार आपको शौक है गजल सुनने का, ये माशाल्लाह कपड़े देखे ना, गजल गाने वाले कपड़े हैं। पेंटर का फटा लग रहा है माशाल्लाह मेरा बच्चा। ये आज के दौर के गाने वाले हैं, कुर्सी से छलांग लगा दी, दरख्त से उछल लिए, नीचे से कूद लिए, ये गजल का क्या जाने। गजल तो फिर आपका अल्लाह वसाया गाता है। तो चलो फिर तुम ही सुनाओ। गालिब की गजल पेश कर रहा हूं। वाह मजा आएगा, बहुत बड़ा शायर था पता है? पता है भाई बाप, तो तुमसे नहीं कह रहा, इन जाहिलों से कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी बात है सुभान अल्लाह कहने वाली है? और छोड़ो अल्लाह वसाया, क्यों बेताऊ, सामान साथ लाए हो या लेने जाओगे? नहीं भाई बाप, साथ लाए हैं। हमको पता चल गया था कि इकबाल आ गया महफिल के नहीं। हाँ क्या बात है ताऊ, समझदार है ताऊ, क्या बात है सुभान अल्लाह। जब आ जा लेके, चलो शाबाश, चल। तू बात करने से बात नहीं आता अल्लाह मसाया। दुआएं हैं आपकी सरकार। अब्बा जी इजाजत। बेटे खुदा हाफिज। आओ जी कादर खान जी, जरा मैदान में आओ, आओ ना जरा आने वाली था पे। आए ना जी। लो जी गजल फिर आपकी खिदमत में है जी। जी जी शुरू। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये ना हमारी किस्मत विधाने यार होता, अगर और जी अगर और। कनीज छोटे को अपने साथ सुला लीजिए।
चादर अच्छी तरह उड़ा दी जो उस पड़ती है रात को, कहीं उसे ठंड ना लग जाए री। अच्छा जी, चला रे बेटा। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, पूछे कोई मेरे पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार हो। यार होता ये ना कि हमारी किस्मत लगाने हो रहे हैं तेरी शादी की खुशी में, तो किसी ने बैलगाड़ी भी ना कराई दुल्हन को लाने के लिए। बस शादी हो गई। ये ना थी हमारे किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत, सारे यार होता ये नाती तो छाछ, रात की रोटी हो तो रात की रोटी, जल्दी कर रही। क्या लाई रही? अच्छा प्याज। चलो मैं घी लगा के चुपड़ दूं। नहीं रीब, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी है मेरे को। अच्छा तो मैं कल से नाश्ता जल्दी तैयार कर दूंगी, जैसा मेरा दिल चाहे वैसा। देख रही,
तू मेरी ज्यादा फिक्र ही ना कर, तू तो सकीना का ख्याल रख बस, ठीक है? की तकलीफ में कैसा पीला मुंह पड़ रहा है रे तेरा, ले जरा सा दूध पी ले, कमजोरी दूर हो जाए। नारी नसीबों से खाना पीना छूट गया रे, तू जा जल्दी से तीनू को रोटी दे खेत मा, जा बात सुन, छोटे को साथ ले जाइयो, रास्ता बता देगा तुझे, बात सुन, रोटी दे के फौरन आ जाइयो, धूप दीवार पर न चढ़े पाए, जा। ये तो पहले दीवार से लगी खड़ी है री, ज्यादा बातें क्यों बढ़ाती है री, मैं न जानू रास्ते में आने जाने में कितना टाइम लगे, है जा। अच्छा आ जा इधर को, सूरी सकीना कैसी है री? अच्छी है रे। तो कभी मेरा भी तो पूछ। हाँ तुझे मेरा घर कैसा लगा री? वो तेरा घर नहीं मेरा है। तुझे ये छोटा तंग तो नहीं करता? ये भी मेरा है क्योंकि ये मेरा अपना है। चल बेटा तू चल के पढ़ ले। अरे कनीज, अरे इतनी देर लगा के आई है तू? वो रास्ता लंबा है ना, उसने रोटी खाई तो मैं आ गई। तैन क्या बात करी उसके साथ? तेरी बातें मेरी बातें? हाँ तेरी बातें। मन ने उससे क्या बातें करनी थी? मैं तो तेरी खिदमत को आई हूं, ला मैं तेरा सर दबा दू। हाँ दबा दे। घड़ी दर्द हो गया सर में। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुरैया आई है, मैं भी आई। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। तू बड़े दिनों में आई दिल्ली जलांग के? दहलीज की बात नहीं है सकीना बाजी, आप तो जानती है कि सारा दिन बच्चों को घर में पढ़ाना और फिर घर के कामकाज भी करना, मेरा तो आपसे दुगना बुरा हाल है। हाँ। अल्लाह ना करे। ये ले री। ले ले पी ले। शुक्रिया। एक बात कहूँ सकीना बाजी? हाँ। आपका इलाज तो जरूरी है। बस क्या कहूँ, ये गांव के हकीम बकवास होते हैं। ये गांव के हकीम सकीना बाजी शहर जाए शहर, और दीनू भैया को तो कोई कमी भी नहीं है,
कोई ऐसा वैसा घर होता तो मैं आपसे ना कहती। दीनू भैया तो खुशहाल हैं, शहर जाएं और किसी बड़े अस्पताल से अपना इलाज करवाएं। चली तो जाऊं सुरैया, मगर मेरे बच्चे, ये घर बार। अरे ये बच्चों की और घर की तैयारी फिक्र क्यों करे है? मैं हूं ना बच्चों की और तेरी खिदमत के लिए। जब घर लौटोगी तो घर चमचम करता दिखाई देगा। यूं तेरी बीमार औरत की भी कोई जिंदगी होए। हाँ रे ये तो है। ये तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? सुरैया को बात कर लेने दे, जा जाके जनावर देख। रिजा अच्छा रे सुरैया, मैं तो चली। तू सकीना का दिल बहलाई हो। पता है दीनू कहे है कि तू सकीना को खुश रख तो मैं तुझसे खुश। सकीना तो दीनू की जिंदगी है जिंदगी। हाँ वो तो है। सकीना सेहत पावेगी तो दीनू की जिंदगी में बाहर ना आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? बर वक्त इलाज हो तो हर मर्ज काबिल इलाज है। रिकनीज बहुत देर हो रही, जा जाके जनावर देख लेना। हाँ री कभी मैं भी यूं दौड़ी थी, अब तो ख्वाब सा दिखे। ख्वाब सच होते हैं सकीना बाजी, अगर आदमी अपने ख्वाब खुद खराब ना करे तो। ये तू क्या कह रही है? मैंने किए अपने ख्वाब खराब? मैं खुद बीमार हुई हूँ? नहीं ये पागल, ये तो अल्लाह की मर्जी हो गई। कौन उसकी मर्जी के बगैर बीमार हो गया? कौन हो गया उसकी मर्जी के बगैर बीमार? उठ रे। गड़वी का ये ले रे, हाथ धो ले। ले डाल। क्यों रे छोटे? रे आज तो तू बड़ा साफ सुथरा लगे रे, तू तो बिल्कुल नवाब लगे रे नवाब। कभी मेरा हाल भी पूछ ले रे। तीन कोस पैदल चलकर आई हूँ तेरे पीछे पीछे। अरे हाँ री, तू ये बता कि तुझे मेरा नहीं तेरा गांव कैसा लगा री? तेरा गांव भी अच्छा, तेरा घर भी अच्छा, लेकिन मुझे एक चुड़ैल नहीं अच्छी लगी रे, और एक सहेली भी बन गई है मेरी। अच्छा वो पक्की सहेली कौन है तेरी री? सुरैया। अच्छा सुरैया। अरे वो तो बड़ी अच्छी बच्ची है री। वो सकीना की बड़ी इज्जत करती है। और वो चुड़ैल कौन है री? है रेक, पानी भरने आवे है कुएं पे, जाने क्या तकलीफ है उसको तेरी और मेरी शादी पे। अरे तू दूसरे गांव की है ना, बस यही तकलीफ है उसको और क्या। दूसरे गांव की हूँ तो क्या हुआ? अरे ये इधर के गांव वाले तो दूसरे गांव वालों की औरतों को दफन भी नहीं होने देते यहाँ, अगर उसका मर्द तकड़ा और लड़के जवान ना हो। बेचारी औरत को उसके असल गाँव जाकर दफनाना पड़ता है गरीबों को। हाँ तू यहाँ की रीते नहीं जाने रे। अच्छा एक बात बता, तू खुश तो है ना? बहुत खुश। हाँ छोटू, हम भी पेट की आग बुझा में खा ले।
दूंगी ना। तुझे क्या दूंगी, दूध दूं या फिर जो पका हुआ है? अपना तो खाना पीना उठ गया इस जहान से, दिन आवे तो उससे बात करूं, शहर जाके बड़े अस्पताल में दाखिल हो जाऊं मैं तो। रोशनी को तक है तेरा फिक्र क्यों करे है? क्यों रे सकीना, क्या देख रही है? मेरी जिंदगी का तेल खत्म हो गया रे। नहीं ऐसे ना बोल सकीना, देख तो ऐसा कहेगी तो मैं कूद जाऊंगा, बता दे रहा हूं। तूने सारी बातें बुला दी है? बुला दी ना सारी बातें तूने, तो फिर वादा कर। हाँ बोल। इस दफा फसल काटने के बाद तू मुझे शहर ले जाएगा अस्पताल में इलाज कराने को, तो फिर सकीना की जिंदगी का तेल कभी खत्म नहीं होगा रे। शहर में इलाज वास्ते तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ी रे, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे है? मैं तेरी खातिर ये हल बैल भैंस सब बेच दूंगा, मैं फसल का दाना दाना उठा दूंगा, मैं आप मैं भूखा मर जाऊंगा पर तुझे शहर जरूर लेके जाऊंगा। भूखे मरे रे, रे भूखे मरे रे, तेरे दुश्मन कौन बेचेगा, कौन बेचेगा मेरे ये बैल ये भैंस? सब बेच देगा तो गांव वाले बेच जितना समझेंगे। तेरा घर कहां से आया री? तेरे को तो मेरा मरद 6 महीने के लिए मेरी खिदमत को लाया था। देख रही हो कनीज, एक लफज मुंह से निकाला ना तो जवान खेच लूंगा तेरी मैं। लेकिन ना बोलू रे, क्यों ना बोलू, सब बेच देगा तो भूखा मरेगा क्या? नहीं नहीं दिनो, मैं तन्ने भूखा नहीं मरने दूंगी। ये तन्ने उल्टी सीधी बातें सिखावे हैं, ये इसने जादू किया है तुम पे। हाँ जादू किया है, ये खुद मर जाएगी पर तुझे भूखा मरता छोड़ देगी। हाँ तुझे भूखा छोड़ जाएगी। देख ले क्या क्या ये मर जाएगी। निकल जा मेरे घर से, मैं कहता हूं इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। तू क्यों निकल जाऊं मैं तेरे घर से, मेरा घर भी है यहाँ। जबान चलाती है हराम खोर, जबान चलाती है तू मेरे साथ, मेरे साथ जबान चलाती है तू। बस कर रे बस कर, छोड़ दे इसे, क्यों रुलाता है छोटे को? मैं सुन ले रही, मैं इसके कहने से नहीं मरने वाली। हाँ
नहीं मरने वाले मैं इसके कहने से। बस बस रजाली निकल रही है तेरी अकड़ी, निकल रही तेरी अकड़ी। अरे दीनू। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। को ज्यादा थक गया लगता है दीनू। वो सुना है सकीना की तबीयत ज्यादा खराब थी। हाँ चाचा, हकीम साहब तो यही कह रहे थे। क्या कहा है? यही कि सकीना को शहर के अस्पताल ले जाना पड़े, उनके बस का नहीं रहा। वो दीनू बेटे, सरैया ने भी तो मशवरा दिया था उसे अस्पताल जाने का। तुम अल्लाह का नाम लेके ना सकीना को अस्पताल ले जाओ, वो बाद में संभाल लेगी कनीज सारा घर और बच्चों को। चाचा वो तो है ही बहुत अच्छी, दिन रात खिदमत में लगी रहती। दिनू तू तो कुछ नसीब है, तुम्हें कनीज जैसी खिदमत गुजार बीवी मिली है। अल्लाह का नाम लेके ना तू सकीना को ले जा अस्पताल, वो बाद में घर बार और बच्चों को संभाल लेगी खुद ही। अच्छा चाचा, करता हूँ फिर कुछ इंतजाम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्यों री खामोश क्यों है री? तू कौन सा बोलो का सावन बरसा रहा है रे मुझ पर? क्या नाराज है मुझसे री? नाराज? कोई अपनों से भी हो गया है नाराज? वो मैंने सकीना को शहर ले जाने का फैसला कर लिया है री। हाँ रे, अल्लाह करे सकीना जल्दी से ठीक होकर घर वापस लौट आवे। इस घर की खुशियां तो सकीना के दम से है ना? हाँ री, पर देखियो हमारे जाने के बाद तू घर और बच्चों का ख्याल रखियो। सकीना सारा घर तेरे ऊपर छोड़ के जा रही है, कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी रे तुझसे? रे तेरी तारीफ कर रही थी, और क्या कह रही थी री? रे कभी तू भी मेरी तारीफ कर दिया कर। हा? मेरे कान तो तेरे बोलों को तरसते है रे। कनीज। आई रे। कनीज कब जा रही है सकीना बाजी अस्पताल? फसल का दाना दाना बेच दिया रे, कल ले जा रहे उसे शहर। सवारी का इंतजाम भी कर लिया स्टेशन तक, पर तमने उसे क्यों भिजवाया री? मजबूरी कनीज बाजी, मजबूरी। वक्त की बड़ी अहमियत थी, और अब तो ऐसा लगता है जैसे बहुत देर हो गई। तो रखो उसे। ना ना, कैसी बातें करती हैं? कर लेने दे दीनू भैया को आखिरी कोशिश। अल्लाह के काम तो अल्लाह ही जाने, पर दीनू भैया के दिल में कोई अरमान नहीं रहना चाहिए। सैमा इमरजेंसी आई है, उसका बीपी लेके आओ। जी जी जी। अच्छा जी, सर नईम खान रिपोर्टिंग। सर मैं माफी चाहता हूँ, इस वक्त मैंने आपको जहमत दी। सर एक मरीजा आई है, आई सस्पेक्टेड एन इमरजेंसी सर। सर मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। सर आ रहे हैं आप? अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा जी। सिस्टर आप मेरे साथ आइए प्लीज। अच्छा जी। किथे से आ रहे हो बादशाहो? अरे बुरे, वो ये तेरी भाभी को लेकर आया हूं रे। अरे 4 महीने हुए नहीं शादी के, और ले आए भाभी को? वो नहीं रे, वो बड़ी वाली तेरी भाभी सकीना, असली वाली। अच्छा अच्छा, और वो छोटी वाली? अरे बस वो तो बेचारी असली वाली की खिदमत के लिए है ना। बस रे बुरे, तेरे होने से यार बड़ा आसरा रहेगा रे, तेरी बातें मुझे जिंदा रखेंगे। हाँ यार, मैं जी जान से सकीना की खिदमत कर सकूंगा रे। तू फिक्र ना कर, ये सब नर्सें, ये सब डॉक्टरानियां सिर्फ और सिर्फ भाभी सकीना के लिए हैं। ये मेरी बहुत इज्जत करती हैं। क्यों? ये मैं नहीं जानता, बस करती हैं। बाकी तू फिक्र ना कर, मैं हूं इधर।
छोटू आ जाएंगे अम्मा सदके। या मेरा बेटा आ जाओ, यहाँ बैठ। क्या बात है, अब्बा याद आ गए हैं? ना बेटा, तुम क्यों उदास होते हो? मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारी अम्मा। तुम दोनों ना खुश रहा करो, ठीक है? ना बेटा, रोना ना, ये आंसू मुझे बलखाते नाग दिखाई दे रहे हैं, बलखाते सांप। अम्मा ना रो, अम्मा सबके, अम्मा ना रो, अम्मा वो याद गड़ भी दूध। इतने से दूध से मेरा क्या बने हैं? मुबारक हो अम्मा, तेरी बकरी बच्चा देगी। तेरे पेट में भूख बढ़ गई है? चार दिन नहीं होए बाप ने मरे है, तेरे ते काबू नहीं रखा जाता पेट पे, तो चावे के है यही भी से मजदूरी शुरू कर दो तेरे वास्ते है? इस तरह ओझ भरने को है? इज्जत रख दो तेरे बाप की है? सारी बिरादरी कवे है मरने वाले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, खाक में मिला दो उसकी इज्जत। देख अम्मा, अम्मा भूख बड़ी जालम से है, अब देखो ना बगैर मजूरी किए बगैर पेट भरने से तो रहा ना, पेट भरने से तो रहा ना। जौन निकाल तुम, जौन निकाल तुम, याद रखियो। भूखो बेटी है, तुम मेरे लवे हुए थी, मैं तुमने अपना पेट काट के भी खिला दूं थी। बनाते हैं ना तेरी शरारता, मैं किसने देख के जीऊं, किसने देख के खुश हूं? मेरे गले दे आगल हारा हो, मेरे गले दे गल हारा, एक लड़कों ते बिगड़ो सारा, बालो बतिया इथे मेरे मोती बीते। सिस्टर आप अभी तक इधर है? हाँ मेरी आज नाइट ड्यूटी भी है, तुम सितार से कह के चाय मंगवाओ, मैं अभी आती हूँ। भूरे जी, जी जी वो ऑफ कर गए हैं जी। दीनू ए दीनू, चल चल मेरे क्वार्टर में चल के सो जा। नहीं रे भैया, पता नहीं किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी। नर्से हैं जो, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, हम जो हैं। चल चल दो घड़ी आराम कर ले यार। नहीं रे, मैं आराम करने नहीं, मैं आराम होने आया हूं रे। मैं जानू, मैं जानू बोरे, सकीना बचने की नहीं। हाँ हाँ, ना ना ना, मायूस होना ठीक नहीं है। देख दिनू, मायूसी गुना है गुना। अब भाई इसे कहाँ ले जा रहे हो? पालिच के मुर्दा खाने। हाँ दिनू, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सहूलत है,
مریض کو کفنانے دفنانے کے پیسے نہ ہوں تو آدمی اپنے مریض کی لاش کو کالج والوں کو تحفے کے طور پر دے سکتا ہے, کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں. دینو دینو سکینہ تو تو ٹھیک تو ہے نا ری؟ پتہ نہیں رے دینو, یا تو جانے یا پھر یہ سفید کپڑوں والے, پتہ نہیں رے دینو میرے بچوں کا کیا ہو. ایسا نہ بول, ایسا نہ بول ری, مت بول ایسا, دیکھ مت بول ایسا. تکلیف ہوئے میرے پیٹ میں, میں کیا کروں؟ آپ ذرا باہر چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ پہ آئے ہیں. آپ باہر چلے جائیں, آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں پلیز. اکیلا چھوڑ دو, یہ میری سوچا ہے رے, میں مرد ہوں اس کا, اور تو کہے کہ کرما والی کو اکیلا چھوڑ دوں. مریض سے زیادہ باتیں کرنا نقصان دہ, آپ چلیں. اسٹاف یہ دوائیں اور انجیکشن ان کے لیے فوراً منگائیں, ٹھیک ہے, اور آپریشن کے انتظام مکمل کریں. رائٹ سر. بات سنیں, آپ یہ انجیکشن اور دوائیں جلدی سے لے آئیں, ابھی ضرورت ہے. آپریشن ابھی ہوگا؟ ہاں ہاں ابھی ہوگا, آپ جلدی سے یہ دوائیں لے آئیں. سسٹر جی آپریشن کم سخت ہو گیا. ہاں ہاں آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور جلدی سے دوائیں لے آئیں, جائیں پلیز. سکینہ تم فکر نہ کریو, میں جلدی آ رہا ہوں. آپ آرام سے لیٹے, میں ہوں نا آپ کے پاس. آپ تو مہینہ انہیں کو آوے ہے, کب لٹے گی سکینہ؟ میرا خیال ہے کہ آپریشن ہوگا سکینہ بھجی کا. آپریشن ایک بچہ آوے ہے آپریشن سے, اسے طاقت کے انجیکشن دے رہے ہوں گے تاکہ آپریشن سہار جائے. سہار لے کے آپریشن, اللہ بہتر جانتا ہے. ان چار مہینوں میں تو سکینہ بھجی آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی. ہاری ہڈیوں کا ڈھیر ہے, ہڈیوں کا ڈھیر. یہ یہ بھینس کو لے جا رہا ہے. کدھر لے جا رہا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے اس کو؟ چھوڑ دے, سننا میری بات تو سن. دیکھ سکینہ کا آپریشن ہوا ہے, اس کی حالت بڑی خراب ہے, میرے کو ضرورت ہے پیسوں کی. رے بچوں کا دودھ مت بھیج رہے, چھوڑ اس کو چھوڑ. ارے پاگل ہوئی ہے تو, تجھے پتا بھی ہے کچھ؟ ارے وہ بہت کمزور ہے, پہلے سے اس میں کون سی طاقت تھی رے؟ اور مجھے ضرورت ہے کبھی ٹیکے کی, کبھی دوا کی, کبھی یہ لا کبھی وہ لا, میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے اس کا سودا کر لیا رے, میرے کو لے جانے دے اس کو. رے ایسے تو نے سودا کر لیا, چھوڑ اس کو رے, میں نہیں جانے دوں گی اس کو. چھوڑ رے, یہ میرے گھر کی سار ہے, میرے بچوں کا دودھ ہے رے, میں نہیں جانے دوں گی اس کو. چھوڑ اس کو, چھوڑ چھوڑ دینے, چھوڑ اس کو دینے, چھوڑ چھوڑ نہ دینے کر دوں. لیکن مرتوں کے ساتھ مرتا نہیں ہے رے, نہیں بچنا تھی وہ. دیکھ اگر تو نہیں اب تو یہ گھر بھی ہمارا مقدر ہے رے, دیکھ لے گیا بھینس, آج یہ بھینس گئی کل یہ کھیت جائیں گے, پھر میں جاؤں گھر بچے, اور یہ بیٹھا ہوگا اکیلا دنو, یہ اکیلا بیٹھا ہوگا ایک قبر کنارے دیا جلائے. رے تو مرتوں کے ساتھ نہیں مرتا رے. سر پیشنٹ سیریس ہے. بی پی چیک کیا؟ بی پی نیل ہے سر. سٹاف
फौरन डेकाड्रान का इंजेक्शन लगाएं। She has expired. बेवफा निकली जालिम साथ छोड़ गई मेरा री। अरे सकीना, अरे सकीना, मैं तो मार देने गई सकीना। क्या हुआ यार? इस रैया मैं सकीना मर गई। क्या सकीना मर गई? अरे संभालो अपने सकीने, तीन रुपये को क्या हो गया? क्या हो गया तीन रुपये को? अरे अरे सकीना, देख रही कैसे सबर करो रही मैं। तीन रुपये का ख्याल कर, सबर कर। अरे दिनो, अरे दिनो, देख रहे दिनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पल से पल क्या हो जावे। अब तो गहरा गम ना करियो दिनो, मरने वाली तो मर गई। देख तुझे चिंता रहना है मेरे वास्ते, मेरे बच्चों के वास्ते। बच्चों के वास्ते, तेरे वास्ते? तू कौन लागे रे मेरी है? क्या किया तूने मेरे लिए? क्या छोड़ा तूने मेरे लिए री? है? क्या छोड़ा तूने मेरे लिए? तू कहती है कि गम ना कर उसका, उसका जिसने तुझे पता है, तुझे पता है री क्या किया उसने मेरे लिए और क्या क्या सहा मैंने उसकी खातिर। अरे गांव के लोगों ने घेर के लाठियों से मारा मुझे एक रोज, आज भी नजर आवे है मुझे, आज भी नजर आवे है मुझे। जहर खा लिया, जहर खा लिया उसके खाला के लड़के ने, जहर खा लिया उसके पीछे उसके खले रहने, वो उसके जनाजे में भी लगी। मैं तो एक पल को भी तुझसे जुदा ना होंगी रे दीदू, एक पल को भी तुझसे दूर ना जाऊंगी मैं तो, एक पल को। और अब जिंदगी भर को साथ छोड़ गई रे मेरा, ये कौन मरा री? ये सकीना मरी कि तीनों मरी? अरे अरे मरे रे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? तो फिर कौन मर गया री? अगर मैं नहीं मरा तो फिर तू एक मुर्दे से जिंदगी मांगती है री? तू तो पागल है, पागल है तू तो, तुझको तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। निकल जा, तू चली जा कनीज, तू मेरे घर से चली जा। मैं वकील के हाथ तेरा कागज भेज दूंगा री, तू जा, तू जा। सकीना, सकीना, सकीना। हरी सुनिए, देख देख रही सुनिए, तेरे तीन रुपया को क्या हो गया री? देख रही इसको क्या हो? वकील के हाथ कागज भेज दूंगा तेरे घर, जा चली जा तू। अच्छा अच्छा तू लेट जा, पहले तो हांफना तो छोड़, फिर मन्ने भी छोड़ दीजो। वकील के पुत्र,
हाँ जल्दी आ गए। बच्चे कब आएंगे रे स्कूल से? अभी देर है। अरे मैंने तो खाने के लिए कुछ बनाया भी नहीं। अच्छा चल ले आप कुछ भी, जो कुछ है घर में कुछ खिला दे मुझे, मेरे को जाना है बाहर। अच्छा देखियो घोड़ा तो गुड़ लाइयो। क्या है री? हाँ ठीक है। उठती तू है और चलती है सकीना, नजदीक तू आती है और पास बैठती है सकीना। हरी हरी यहां कुछ नहीं रहा, तेरा काम खत्म हो गया री, तू चली जा यहां से, तू चली जा यहां से कनीच, यहां यहां अब कुछ भी नहीं रहा, यहां एक रूह का राज है री, एक रूह का राज है यहां, यहां यहां तेरा राज है, तेरा राज। देख अपनी जिंदगी को जहन्नम न बना रही, निकल जाए यहां से, ये हिजर का जहन्नम मेरी, ये दूरी का दोजक है, जल जाएगी भस्म हो जाएगी तू। अरे इस आग में मैं जल मरूं, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या इज्जत होगी? पर मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता, ये वायदा है मेरा सकीना से री। मेरा भी वायदा है सकीना से, तेरा ख्याल रखने का, बच्चों का ख्याल रखने का। पर देख यहां सकीना के सिवा और कोई नहीं रह सकता री। ठीक है मैं तेरी कुछ नहीं लागू ना रे। हाँ नहीं लागे तू मेरी कुछ भी। चली जाऊंगी मैं, अभी चली जाऊंगी मैं यहां से। तू खड़ी काहे को रे, जाती क्यों नहीं? जा निकल जा, भेज दूंगा कागज बगीचे के हाथ, भेज दूंगा। ठीक है चली जाऊंगी। हाँ याद रखियो चाचा फेरू के पैसे देने हैं, वो दे दीजिए याद से, नहीं तो वो समझेगा कि पैसे मार के भाग गई। और हाँ यहां भी तो अंदर रखे हैं, वो भी उठा लीजिए। छोटू को अपने साथ सुला लीजिए, वो अकेला बहुत डरे है रे, छोटा है ना अभी। और हाँ बच्चों को वक्त पे स्कूल भेजियो, अभी वो आएंगे तो उनको खाना खिला दीजियो, ये वो उधर रखा है उनको दे दीजियो। हाँ छोटू को खाना अपने हाथों से खिलाइए रे, नहीं तो वो दोने वाले खाके छोड़ देवे हैं, अभी छोटा है ना। हाँ और हाँ छोटू बड़े को बहुत मारे है रे, लेकिन बड़ा बहुत हम दर्द है, वो छोटू को कुछ नहीं कहे हुए, छोटू के साथ बड़े प्यार से रहे हैं, दोनों बच्चों का ध्यान रखियो, ये सुन रहे हो? तुमने कहा था नदीम मोहम्मद कि तेरे दिल पर एक रूह का राज है, अगर तू एक रूह के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता है तो मैं भी अपनी मां की दहलीज पर सारी जिंदगी गुजार सकती हूं तेरे नाम पर। ले मैं चली। कनीज तू अगर मेरे नाम पर अपने मां की दहलीज पर सारी जिंदगी गुजार सकती है तो क्या इस घर में मेरे नाम पर जिंदगी नहीं गुजार सकती? अम्मा कहाँ जा रही है? किधर जा रही थी? मैंने कहा जाना है बेटा, मैं तो अभी आई हूं, आ जाई हूं पहली बार।